हेलो दोस्तों मैं उमाशंकर आपको ट्रिकी भाई गुप्ता में स्वागत करता हूँ दोस्तों आप, आप लोग के लिए लाया हूँ होम साइंस गृह विज्ञान का एम सी क्यू क्वेश्चन अर्थात मल्टी चॉइस क्वेश्चन दोस्तों तो चलिए दोस्तों देखते हैं शिशुओं को जानिए अर्थात शिशुओं को बारे में जानते हैं क्या है शिशु अर्थात जीरो से लेकर छः वर्ष के शिशुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना है उनके विकास की कुल आवश्यक आवश्यक जानकारी भी प्राप्त करना है तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट देखते हैं जन्म से ही शिशु में किस संवेदन का प्रदर्शन होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए प्यार से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एक दूध पिलाने वाली माताओं को पहले छः महीने प्रतिदिन आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए तो ऑप्शन नंबर बी अर्थात पंद्रह ग्राम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है माँ के स्थान से निकलने वाला पहला दूध होता है क्या होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कोलेट्रेम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी चार क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बच्चों को किस आयु में पहला दांत निकलता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए छ माह में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है शिशु को बी सीट जी का टीका कब लगाया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी तीन माह में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद से देना चाहिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए छः माह के बाद देना चाहिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ओ आर एस पे बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलाना चाहिए तो ओ आर एस को पे बनाने के लिए चीनी प्लस नमक की आवश्यकता होती है जो इसमें ऑप्शन में नहीं है इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा कोई नहीं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दो वर्ष से छः वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बाल्यावस्था बाल्यावस्था को जो दो वर्ष से लेकर छः वर्ष को बाल्यावस्था कहते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जन्म के समय भारतीय जन्म के समय भारतीय बच्चे की औसत लंबाई क्या होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पचास सी एम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है तीस सितंबर उन्नीस सौ तिरानवे के अनुसार आंगनवाड़ी योजना के अंतर्गत कितने करोड़ बच्चे और माताओं माताएं पूरक पोषण प्राप्त कर रहे थे इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वन पॉइंट नाइन फाइव चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार क्या होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 2.5 किलो से लेकर 3.5 किलो का वज़न का होता है तो बच्चे का जन्म का नवजात शिशु का औसत क्या होता है 2.5 अर्थात अढ़ाई किलो तक का वज़न होता है अगर अढ़ाई के जी से कम नवजात शिशु का वजन हो तो वह किसी बीमारी से ग्रसित होता है इसीलिए स्वस्थ नवजात का वजन 2.5 किलोमीटर 2.5 किलोग्राम होना चाहिए चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, है गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम की इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर कैल्शियम कैल्शियम की हो जाएगी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है संपूर्ण गर्भावस्था में गर्भवती महिलाओं को कितनी मिलियन ग्राम लोहे को शोषित करना पड़ती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सात सौ से एक हज़ार मिली ग्राम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है शिशु का सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है तो ऑप्शन नंबर सी माँ का दूध क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है माँ का दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज प्रदर्शन करते हैं इसका राइट right आंसर हो जाएगा ए इसका राइट right आंसर हो जाएगा ए रोग रोधक क्षमता जो माँ के दूध से पाए जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, है सामान्य प्रसव में स्थन पान शुरू कर देना चाहिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आधा घंटा में ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है शहद ग्लूकोज पानी इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं माता का दूध माता का दूध होता है क्या होता है तो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हमेशा ताज़ा होता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है महिला प्रजनन तंत्र कहलाता है अर्थात महिला प्रजनन तंत्र में क्या पाया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी अर्थात सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है बच्चों को जन्म देता है अंडा उत्पन्न करता है ये सब महिला प्रजनन तंत्र के अंतर्गत आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, है इनमें से कौन सा गलत मासिक चक्र है मासिक चक्र जो महीना में जो चक्र होता है उसी को हम लोग मासिक चक्र कहते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हमेशा बहुत कष्टदायक होता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कौन सा हार्मोन केवल महिलाओं में श्रावित होता है ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रेलिन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है प्रांत अवधि गंभीर है माता के लिए बच्चों के लिए दोनों के लिए कि दोनों के लिए नहीं तो राइट आंसर हो जाएगा सी दोनों के लिए दोनों के लिए, लिए प्रसव होने के उपरांत दोनों को गंभीर होता है इसके बाद क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं तो क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा है इनमें से कौन प्रसो उपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं देखभाल नहीं है स्थन पान व्यक्तिगत स्वच्छता विश्राम एवं निद्रा उत्तम पोपहार पोषपार इसका राइट आंसर हो जाएगा सी विश्राम एवं निद्रा की देखरेख नहीं करना चाहिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इनमें इन से कौन शुरू के दिनों में बच्चे को देखभाल के अंतर्गत आता है बच्चे को गर्भ रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी अर्थात तो बच्चे को गर्भ रखना गर्भशाला को देखरेख करना सिर्फ माँ का दूध देना इसके अंतर्गत हम बच्चों को देख रेख कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एक नवजात के लिए चौबीस घंटे के अंदर दिए जाने वाला कौन सा टीका नहीं है इसका राइट right आंसर हो जाएगा दोस्तों टी डी पी टी डी पी ऐसा एक टीका है जो चौबीस घंटा के अंदर नहीं दिया जाता है उसके अंतर्गत डिफेरिया डि डिफिथरिया टेटनस एवं पर ट्यूसेस आते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है दोस्तों अस्थाई दांतों की संख्या होती है आ अस्थाई दांतों की संख्या होती है बीस क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बीस तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा इसे देखें और अपने दोस्तों को भी देखने के लिए प्रेरित करें फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू बेस्ट ऑफ लक